नेपाल तो अपने साथियों नाल खेतों के विच लेबर करन आए बलिराम दे नाल खरड़ दे नेड़ले पिंड सकरूलपुरा दे विच दो नौजवानों ने कृपाना मार के 30,000 रुपए की खो हो जाण दा मामला सामने आया है। पीड़ित बलिराम ने जानकारी दिंदिया दसिया कि वह अपने साथियों नूं दित्ती जाण वाली रकम लैके जा रहा सी ते दो व्यक्तियों वल्लों उसनूं रोक के उसके उपर तेज धार हथियार नाल हमला करके 30,000 रुपए की नकदी नूं लुट के फरार हो गए। उक्त पीड़ित खरड़ के सिविल हस्पताल दे विच दाखल है। उत्थे ही कड़ुआ थाने दे ड्यूटी अफसर ASI कमलजीत सिंह ने दसिया कि पीड़ित दे बयान दर्ज कर ले गए ने। जो भी दोषी होंगे उन्होंने ऊपर जल्द तो जल्द कार्रवाई की जाएगी। हम लहरे से ग्रामीण का क्या था गहूँ काट कर, अच्छा तो दो रहा वहाँ पर बैठा, हम चावल लेकर आया तो रास्ते में मोटरसाइकिल से हमको लात मार के आ गिर दिया और कल्पान से बढ़ने लग गया। एक बंदा छोटी गज मारने लग गया, एक बंदा कल्पान से मारने लग गया। तो दुए घर के बंदा आया ना तो ये सब मोटरसाइकिल चालू करके भागने लग गया। तो जो एक हेजी नाम का बंदा था तो उसने जो पैसा इसमें खुला था ना वो पैसा खोकर दोनों चढ़कर चले गया। 30,000 था, 30,000 एक में 35,000 था, एक में 30,000 था, तो 30,000 वाले ले गया, 35,000 वाला रह गया। अरे सानू ये समझ एक मैलर मसूल हो गया, बयान हासिल कर ले, जिसे बनती लीगल कार्रवाई करिए तो जो दोषी आए ना जल्द तो जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। बस जो घर मिल गए सब जो फल लेने रेड करा घर से जाके मैंने नेपाल नपूल रहने वाले बाहर ले मोटर माटर रहने इतने माड़ा मोटा काम कार करते हैं। जी परसों की गल है, परसों शाम को साढ़े खेतों च रहा कोई 20-25 साल पुराना साढ़ा बंदा जी, ये 20-25 बंद करीब तकरीबन लेबर लेके आया हुआ जी। हुण कणक वढ़ी है, तूड़ियां ढोने आ, खेतों में कम धंधा करन वाले जी, बड़े वधिया रसूख वाले बंदे ते इह तां पता नहीं मान लो बंदे ने आके इन्हां नाल खोह करी आ, कृपाना मारियां और इहदे पैसे खोह के ले गया जी। ते बड़ी मंदभागी घटना होई इहनां नाल। हुण साडी तां लेबरां खेतों च रहिणियां, जे इहनां नाल इस तरह घटनावां होण लग जाण सानूं तां फिर इह कम करन वाली लेबर दी रहूगी। असीं तां इही मंग करदे हां वी इहनां दी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए है, जिहड़ी खो हुई है इन्हां दे पैसे मिलने चाहिए, गरीब आदमी 25 बंदियां दे पैसे कित्थों दे भाई। खरड़ तो मोहित मित्तल दी रिपोर्ट, युगमार्ग TV।